A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss Newton's divided difference interpolation formula for unequal intervals. That is, we are finding the formula for this, जो हम questions में use करेंगे. ठीक है? Now, let us start. हमने क्या करा? Consider, let x naught, x1 and xn be the arguments and उसके correspondingly जो मेरे पास entries हैं, that are x naught, f of x naught, f of x1, f of x2 and so on, f of xn. इज इट राइट? और ये जो हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस किस लिए कर रहे हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस, तो यहाँ मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन एक्स एन नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड. नाउ द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट. क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस या डिवाइडेड डिफरेंसेज आर सिमेट्रिक, चाहे आप एक्स नॉट कॉमा एक्स लिखो चाहे एक्स कॉमा एक्स एक्स नॉट लिखो, मैटर्स नथिंग. ठीक है ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट. तो यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. इज इट राइट? अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट. ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, द फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स माइनस लास्ट टू आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है? तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू आ गई. यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन टू की किस में सब्सिट्यूट करोगे? इक्वेशन वन में. हमारे पास इक्वेशन थ्री आ जाएगी. यही करा ना हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट में. यहाँ पर इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन टू में, यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन ब्रैकेट क्लोज. यही हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री में आ गई. इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब हमारा क्या वर्क है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी? द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू इज गिवन बाय द फर्स्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स माइनस लास्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट. आप फर्स्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स माइनस लास्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हो या फिर लास्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स माइनस ऑफ फर्स्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हो. बस कंडीशन ये होगी, अगर आप फर्स्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स माइनस लास्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो तो डिवाइडेड में एक्स माइनस एक्स टू आएगा. अगर आप लास्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स माइनस फर्स्ट थ्री आर्ग्यूमेंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री लिख रहे हो तो डिवाइड में एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा. तो बात एक ही है, अगर आप ऐसे करोगे तुम दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर से भी नेगेटिव आया डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव तो वो पॉजिटिव ही होगा ना अल्टीमेटली, तो देयर बिकम्स नो चेंज. ठीक है ना? तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन की वैल्यू यहाँ से ये आई. अब ये वैल्यू आप किस में सब्सिट्यूट करोगे इन इक्वेशन थ्री? तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्टार्ट f of x naught comma x1 comma x2 plus x minus x2 f of x comma x naught comma x1 comma x2 and bracket close. तो हमारे पास ये आ गया. तो continuing like this हमारे पास क्या आ जाएगा? f of x naught plus ये terms तो as it is. ठीक है? अब यहाँ पर टू आर्ग्यूमेंट्स तक हो गए तो एंड में हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स तक आएंगे? एन आर्ग्यूमेंट्स तक. यहाँ टू आर्ग्यूमेंट्स थे तो टू तक हमारे पास एक्स माइनस हो रहा था, तो अगर मैं एंड में एन आर्ग्यूमेंट्स तक लेती हूँ तो एक्स एन आर्ग्यूमेंट से माइनस होगा. ठीक है? और हमें यह भी पता है कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एनथ डिग्री. एनथ डिग्री की है तो उसके हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या होंगे? जीरो होंगे. अगर हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जीरो होंगे तो इसका मतलब ये वाली टर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन सो ऑन एक्स एन ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? सब्सिट्यूट करोगे यहाँ पर. ठीक है? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू. अब देखो इसको कैसे डिनोट कर सकते हो? डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट आर्ग्यूमेंट्स एक्स वन. इसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट आर्ग्यूमेंट्स एक्स वन कॉमा एक्स टू. इसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर दैट इज थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट और आर्ग्यूमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होंगे? एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री.
ठीक है ना, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इज इट राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू, इज इट राइट एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एट आर्ग्यूमेंट्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन तक, ये वाली टर्म तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन फाइव किस फॉर्म में लिखी जाएगी, इस फॉर्म में, विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। इज इट राइट स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, मीन्स इसको थियोरेटिकली कैसे यूज करना है वो बताएंगे।